क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों शो एट द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द स्पेयर ऑफ रेडियस इज लेट इसी एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम सबसे पहली बात इसमें क्या बोला है इसमें बोला है कि एक स्पेयर के अंदर ना हमने बनाना है सिलेंडर तो एक स्पेयर बना लेते हैं बहुत अच्छा नहीं बना है इसके अंदर सिलेंडर बनाना है ये सिलेंडर है और सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या करना है सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो सिलेंडर में ये देखो ये उसका रेडियस हो गया स्मॉल आर ये स्मॉल आर हो गया ये भी स्मॉल आर हो गया और अगर सिलेंडर को मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो उस केस में ये सिलेंडर और स्फीयर का डायमीटर दोनों सेम सेम होना चाहिए ये डायमीटर उसका और ये ये वाली लेंथ डायगनल इसकी बोल सकते हो वो दोनों सेम होनी चाहिए तो यहां पे सेंटर होगा कहीं ये कैपिटल आर है ये कैपिटल कैपिटल आर गिवन है गिवन मीन्स कांस्टेंट यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जीरो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों जीरो आएगा अब सुनिए क्या करना है अब हमें करना ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें किसको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम को हम मैक्सिमाइज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम का वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर होगा ये वाला आर लेते हैं ये वाला नहीं ये तो इस का है ठीक है बच्चों अब यहाँ पे एच क्या था ये वाली हाइट थी यहाँ से यहाँ तक अब यहां पे देखो कितने वेरिएबल है दो वेरिएबल है जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसमें सिंगल वेरिएबल लगते हैं तो आर और एच में एक रिलेशन ढूंढेंगे वो कहां है देखो पाइथागोरस से हम यहां पे रिलेशन ढूंढ लेंगे यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल सो so, ये देखो ये हाइपोटीनिस हो गया ये बेस हो गया ये पर्पेंडिकुलर हो गया हैपेटोनियस का स्क्वायर हैपेटोनियस ये इतना होता है टू आर टू एच स्क्वायर माइनस प्लस टू आर का होल स्क्वायर हो गया अब यहाँ से हम क्या करेंगे ये देखो एक रिलेशन क्या बन रहा है वो देख लेते हैं पहले फोर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इक्वस टू एच स्क्वायर माइन प्लस फोर स्मॉल आर स्क्वायर हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं ज़्यादा ईजी पड़ेगा राधर दैन एच अगर एच निकालोगे तो रूट में आ जाएगा तो आर स्क्वायर की निकाल लेते हैं ठीक है ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर हो गया फोर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपन फोर इंटू में आर का स्क्वायर अब इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे पाई बाई फोर ये हो जाएगा पाई बाई फोर इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे पाई बाई फोर बाहर कर लिया और ये हो जाएगा हमारा ये अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर सॉरी ये एच था ये एच था आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर ली तो ये था एच सो ये स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया ये एच था अब इस एच की एंट्री हम इसमें अंदर करेंगे तो पाई बाई फोर बाहर कर लेगा पाई बाई फोर एच की एंट्री कराएंगे फोर आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब ये हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब इसको क्या करेंगे हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल होता है डी वी अपन डी एच निकालेंगे पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट था इसको बाहर कर दिया फोर आर स्क्वायर इंटू वन एच का हो गया माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्वल ज़ीरो कर दिया अब इसको जब जीरो करेंगे फोर आर स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्व टू ज़ीरो हो जाएगा फर्दर फोर आर स्क्वायर इक्व टू थ्री एच स्क्वायर फर्दर थ्री एच स्क्वायर इक्व टू फोर आर स्क्वायर हो गया इट मीन्स एच स्क्वायर इक्व टू फोर बाई थ्री आर स्क्वायर हो गया इट मीन्स एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट फोर आर स्क्वायर बाई थ्री डैट इज़ टू आर बाई रूट थ्री ये हो गया हमारा एच की वैल्यू ठीक है बच्चों इतना समझ में आया अब देखते हैं हमें क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है तो इसको हम क्या करेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको दोबारा इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वी अपॉन डी एच स्क्वायर निकालेंगे पाई बाई फोर ये हो गया जीरो माइनस सिक्स एच माइनस सिक्स पाई एच बाई फोर ये नेगेटिव हो गया सो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम सेकेंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम क्या होता है वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा जब नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है जब पॉजिटिव होता है मिनिमम होता है अब वी मैक्स निकालना है वी मैक्स क्या होगा वो देख लेते हैं वी मैक्स वॉल्यूम मैक्स कहाँ से निकालेंगे हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस वाले से पाई बाई फोर फोर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में एच इससे निकाल सकते हैं तो ये हो गया फाइव बाई फोर फोर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच की जगह पे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर के जगह पे हम ये डाटा यूज कर सकते हैं और एच की जगह पे हम ये कर सकते हैं ये दोनों तो सेम ही है क्योंकि इसी से इसी से ये निकला है अगर स्क्वायर करोगे तो फिर यही मिलेगा सो so, ये फोर बाई थ्री आर स्क्वायर एच स्क्वायर का जब यूज किया एच के जब पे हम ये लिख लेते हैं टू आर बाई रूट थ्री अब क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देखो इसको सॉल्व करेंगे एल से लेंगे फाइव बाई फोर ये हो गया तीन बारह आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर टू आर बाई रूट थ्री बारह में से आठ गया चार सॉरी बारह में से चार गया आठ आठ होगा एट आर स्क्वायर पाई बाई फोर पाई बाई फोर को बाद में लिख दिया इंटू टू आर बाई रूट थ्री तो फोर टू जा ठीक है बच्चों समझ में आया ये कितना हो जाएगा टू टू जा फोर पाई ये पाई होगा टू टू जो फोर पाई आर क्यूब बाई रूट थ्री ये हो गया इसका आंसर ये हो गया इसका आंसर ये वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम यही होगी